नीला तिवारी कहाँ गायब है तू? पता है यहाँ टास्क में भी सब तेरे को बहुत याद करते हैं। द फैमिली मैन सीजन 3। सीजन 2 के बाद अब मनोज वाजपेयी की फैमिली मैन सीजन 3 का ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार है। प्राइम वीडियो ने पंचायत सीजन 3 की अनाउंसमेंट कर दी है, अब ये 28 मई को रिलीज होने वाली है। इसी बीच अमेज़न प्राइम वीडियो ने अपने ऑडियंस के लिए एक और बड़ी खबर जारी की है। प्राइम वीडियो ने अपनी मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। दोस्तों, मनोज वाजपेयी की ये सीरीज फैंस के लिए बीच काफी पॉपुलर है और अब एक बार नए कैरेक्टर के साथ ये सीरीज दस्तक देगी। राज एंड डीके की सीरीज उनके बैनर D2R फिल्म्स के तले बनाई गई है। जब से सीजन 2 खत्म हुआ है तब से इसकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग देखने को मिल रही है। सीजन 3 जो फिलहाल प्रोडक्शन में है, उसके रिलीज के साथ साथ ये प्राइम मेंबर्स के लिए 240 से ज्यादा देशों और टेरिटरीज में उपलब्ध होगा। मनोज वाजपेयी एक बार फिर से श्रीकांत तिवारी का करेक्टर निभाएंगे, जो एक मिडिल क्लास शख्स और वर्ल्ड क्लास स्पाई है। आने वाले सीजन में श्रीकांत को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मुश्किलें खतरे से निपटते हुए देख सकेंगे। साथ ही फैमिली लाइफ की जिम्मेदारियों को भी संभालना होगा। वह अपने पत्नी के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए बहुत सारी कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। जैसे जैसे श्रीकांत समय के उल्ट दौड़ लगाता है, स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि उसे एक मजबूत दुश्मन को हराना है सीजन 3 में। तीसरे सीजन में कई ओरिजिनल कास्ट मेंबर्स वापस आएंगे, जिनमें प्रिया मणि, शारिब हाशमी, अश्लेषा ठाकुर, विदान सिन्हा के नाम शामिल है और इस शो में नए करेक्टर भी शामिल होंगे। इंतजार थोड़ा लंबा है क्योंकि अभी शूटिंग शुरू हुई है। फैमिली मैन सीजन 3 आपको 2025 के अंत तक देखने को मिल सकता है। फिलहाल हमें मिर्जापुर के सीजन 3 का इंतजार है। आप किस सीजन को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी मुलाकात दोबारा फिर से हो सके।